दोस्तों, अपने नाम का सिग्नेचर कैसे बनाया जाता है, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए भी होगी जिन्होंने एडिटिंग का कभी उई भी नहीं किया। ओह सॉरी सॉरी भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है जिन्होंने कभी एडिटिंग का ई भी नहीं सीखा, कभी एडिटिंग की ही नहीं। वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने नाम का सिग्नेचर मस्त करके बना सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये बात बताने की अब ज़रूरत नहीं रही कि मेरी वीडियो बैकग्राउंड म्यूज़िक फ्री होती है और स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, सेम उसी तरह आज की वीडियो में भी स्टेप बाय स्टेप गाइड ही रहेगी। तो चलें, पहला स्टेप ये रहता है कि आपको चूज़ करना है कौन सा सिग्नेचर आपको पसंद है, कौन सा सिग्नेचर स्टाइल आपको पसंद है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। तो मैं आपके सामने अपना गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पर गूगल पर आपको सिंपली सर्च करना है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से, डी ए फाउंट, एफ ओ एन टी फाउंट, डी ए फाउंट सर्च कर दीजिए। ठीक है, सर्च करने के बाद पहले नंबर पर ही आपको एक वेबसाइट मिल जाती है। हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, भाई अपनी मर्जी है उसकी, हो सकती है, लेकिन आपको ये देख लेना है www.dafont.com वाली वेबसाइट ही होनी चाहिए। इसके अंदर BEUI कुछ भी ना लगाओ तो इसका आइकॉन भी आपके सामने आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भाई साहब ये कुछ ऐसी स्टाइलिश फाउंट्स कुछ आपके सामने आ जाएंगे और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और हाँ, आपको एक और हैरानगी वाली नहीं बल्कि खुशी वाली बात बताता चलूँ, ये जूमेबल है, ये देखो आप इसे जूम कर सकते हैं भाई। तो जूम करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सर्च बार आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये जूम करके पूरी स्क्रीन पे ला के आपको दिखा दिया, ये मरा रे। यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर टाइप कर देना है, सॉरी सिग एन ए टी यू आर ई सिग्नेचर, ओके, सर्च के ऊपर क्लिक मारा और ये इसने जितने भी इसके पास मौजूद थे सिग्नेचर के स्टाइल इसने ला के दिखा दिया। अरे 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 वाह, अरे ये तो कमाल है भाई, ये चीज़ मेरे को पहले क्यों नहीं पता चली, मैं अपने लिए बना लेता भाई। हाँ, तो जितने भी, सॉरी मुझे भटक गया मैं थोड़ा सा, मुझे ये पसंद ज़्यादा आ गया था, ओके। तो यहाँ पर आपको भी इस तरह से कुछ पसंद आ जाए तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये फुल स्क्रीन आपके सामने दिखा रहा हूँ, उसको नीचे करते जाइए और ये काफ़ी सारे हैं, और ये काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मतलब ये एक से लेके 14 तक पेज तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मैं 10वें पेज पर जाना चाहता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर कैसे कैसे। अरे वाह क्या बात है भाई, ये तो छा गया रे। तो आपको भी इसी तरह से कुछ रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। देखते हैं और भी पेज हैं क्या, हाँ नहीं 14 तक ही हैं, 14 तक पेज हैं और काफ़ी सारे हैं ये, आप इनमें चूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो सिग्नेचर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या करना होगा, अगला स्टेप अगले स्टेप में देखेंगे, है ना। तो पहले ये स्टेप कंप्लीट कर लें। तो मुझे भाई साहब ये वाला सिग्नेचर जो है ना, ये वो काफ़ी जो दिल को बाहर है ना, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप चाहें तो ये सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं, सब में एक एक ट्राई कीजिए, क्या जाता है भाई, सब में ट्राई करिए, कौन सा पैसा लग रहा है इसमें, फ्री है भाई, फ्री, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का है, ओके। इस सिग्नेचर के ऊपर हम, यहाँ डाउनलोड का बटन मिलता है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर दिख रहा है सिग्नेचर डॉट ओपन, ठीक है, जिप डॉट ओपन करके आ गया, कि मतलब आपका भाई डाउनलोड हो गया, आप इसे ओपन कर सकते हैं। और वैसे तो डाउनलोड का नोटिफिकेशन ऊपर आता है ना, तो वहाँ पर देख लेते हैं नोटिफिकेशन बार में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है क्रोम का एक टिक मार्क आ गया कि भाई आपका सिग्नेचर डाउनलोड हो चुका है, तो ये डाउनलोड वाले फोल्डर में होगा, ठीक है। तो अब ये जो है ना जिप फाइल होती है, इसको ओपन करने की ज़रूरत होती है, तो वो भी टेंशन लेने की भाई ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए, तो आपको वो भी मैं करके दिखाता हूँ। फिलहाल गूगल को करते हैं टाटा बाय बाय, एक सिग्नेचर मैंने डाउनलोड किया उसको ही बना के दिखाऊँगा। अब मैं जाके पहले जो अपना है ना डाउनलोड वाला फोल्डर फाइल के अंदर जाऊँगा, ओके। फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं डाउनलोड वाला फोल्डर ढूंढूंगा, इंटरनल स्टोरेज में गया और यहाँ डाउनलोड वाला फोल्डर देखा, डाउनलोड वाला फोल्डर देखा और नीचे जनाब जाते हैं और कुछ जिप टाइप का होने वाला है ये, कुछ जिप होएगा, ओके। ये सिग्नेचर नाम से जो अभी अभी हमने डाउनलोड किया, ये सिग्नेचर डॉट जिप करके एक जिप फाइल हमारे सामने है जिसका रेड कलर का आइकॉन है। ज़रूरी नहीं ये मेरे पास रेड है तो आपके फ़ोन में भी ये रेड ही आए, ये कोई और कलर पकड़ सकता है भाई, आप हर फ़ोन के अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन नाम ना भूलिए, नाम जो वहाँ पे था सिग्नेचर डॉट जिप, यहाँ पर भी सिग्नेचर डॉट जिप होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
इसको ये जिप लगी हुई है, इसकी जिप खोलनी है। जिप खोलने के लिए जो भाई लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं ना 2018 के बाद जितने फ़ोन्स आए हैं, जितने भी फ़ोन्स आए हैं 2018 2019 के फ़ोन्स हैं, उनके अंदर अपना जिप ओपनर रखा हुआ है उन्होंने। जैसे बोतल ओपनर होता है ना, कोल्ड ड्रिंक ओपनर, ऐसे जिप ओपनर इनका अपना एक इंस्टॉल कर रखा है इन्होंने। लेकिन जो इससे पहले वाले फ़ोन थे उनमें नहीं आता था, उनमें नहीं आता था, इसलिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। अब आप दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाए तो मतलब आपके फ़ोन में जिपर मौजूद है। अगर ना खुले, कोई एरर वैरर आ जाए या आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन आ जाए कि समझ में ही नहीं आ रही क्या आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके फ़ोन में ओपनर शोपनर कोई नहीं हैगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जिप डाउनलोड करने के लिए, सॉरी जिप नहीं, जिप ओपनर डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ रार नाम की एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसका आइकॉन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप गौर से देख लीजिए और नीचे रार जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको ओपन करें, मैंने रार इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी, मेरे फ़ोन में जिपर भी मौजूद है। तो मैं इस सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट रार में खुल गया, फाइल रीड हुई और ये दो ऑप्शन मेरे सामने आ गए। ये सिग्नेचर का TTF की फ़ाइल आ गई मेरे सामने, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। टिक मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ये टिक मार्क आपने कर दिया, उसके बाद ऊपर जाइए, ब्लू कलर की जो पट्टी है जिसके ऊपर रार लिखा हुआ है उसके साथ ही एक ऊपर का एरो का बटन है, उसका मतलब है ओपनर है भाई, ओपनर। मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखा हुआ है ताकि आप देख सकें, जिसके ऊपर नाम आ रहा है भाई एक्सट्रैक्ट फाइल, हम इसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, इसका मतलब यही बनता है भाई, इसको ओपन कर लीजिए। हाँ, इसके ऊपर अब हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद भाई अब ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसने बहुत तंग किया मेरे को, इतना तंग किया ना, आपको भी तंग कर सकता है, जो मुझे तंग कर सकता है तो आपको भी कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ था पाथ कि भाई ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद किस फोल्डर में गिरेगा, ओपन होने के बाद ये किस लोकेशन में गिरेगा। अगर घर की बात करें तो गैराज से ओपन करके, गैराज में ओपन करेंगे तो ये किस कमरे में जाके घुसेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ था भाई। मैंने तो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट कर दिया ओके। ओके करने के बाद पता चला पता नहीं कहाँ गिरा, मैं पूरा फ़ोन छान मारा भाई, मुझे जाके दोबारा एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है। तो आपके ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरेज एम्यूलेटेड ज़ीरो डाउनलोड सिग्नेचर, कि ये उसी सिग्नेचर के फोल्डर में वापस जाके गिरेगा, मतलब डाउनलोड वाले फोल्डर में। आप चाहें तो इसका पाथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्राउज़ का बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये फोल्डर्स आ रहे हैं ब्लू ब्लू कलर के, ये पहले तो येलो थे लेकिन इस एप्लीकेशन में भाई ये ब्लू दिखते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो आप यहाँ अप वन लेवल करके यहाँ पर अपने फोल्डर्स देख सकते हैं, आपके फ़ोन में जितने फोल्डर हैं आप किसी भी फोल्डर में इसको घुसा सकते हैं, ठीक है। ये जेड कैमरा नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पर मैं घुसा सकता हूँ, तो मैं इसी को यहाँ पर ही घुसा देता हूँ ताकि मुझे मिलने में आसानी हो जाए। मैं इसे यहाँ पर ओके करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब वो हो गया एक्सट्रैक्ट, मतलब कि ओपन हो गया और वो जा गया भाई, गिरा है मेरे वो जेड कैमरा वाले कुछ फोल्डर में, ठीक है। अब इसको भी हम कर देते हैं टाटा बाय बाय, बाय बाय टाटा, ठीक है। अब हमें सिग्नेचर को परफॉर्म करने के लिए कि हमने भाई इसमें अपना नाम ठोकना है, जो आपने डाउनलोड किया है उसमें अपना नाम भी तो लिखना है ना, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, छोटी सी एक एप्लीकेशन है। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है भाई यहाँ पर पिक्सल ऐप करके, ये भी प्ले स्टोर से बहुत आसानी से आपको डाउनलोड होके मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ लिखिए पिक्सल ऐप, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसका आइकॉन ठीक से देख लीजिए, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कैंसिल चलो कर देता हूँ, आपको ये नहीं पूछेगा ओके यार कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने दिख रहा है और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप डबल क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिसके नाम से आप सिग्नेचर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर के ही सिग्नेचर कर देता हूँ, है ना, सिग्नेचर NATURE, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर के हमने सिग्नेचर कर दिए और यहाँ पर रख दिया। अब हमने वो वाला जो स्टाइल डाउनलोड किया था वो इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है, इस फाइल के अंदर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का बटन मिल रहा है, ए के बटन के अंदर ये सारे इस टेक्स्ट को एडिट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
ठीक है, इसको डिलीट करना हो, इसको एडिट करना हो, इसकी पोजीशन सेट करनी हो, इसका साइज़ बड़ा करना हो, इसका कलर शलर सब कुछ इसमें मौजूद होता है। तो इसी के अंदर एक फॉन्ट की ऑप्शन भी मौजूद होती है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। फॉन्ट के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ऊपर हमें आउटपुट भी दिख रही है। इसके अंदर बहुत सारे ऑलरेडी स्टाइल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर हो सकता है इन्होंने एक आध सिग्नेचर का स्टाइल यहाँ पर दे भी रखा हो। ये देखिए नीचे कुछ सिग्नेचर के ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन हमें तो वो पसंद था जो हमने डाउनलोड किया था, वो यहाँ पर इंपोर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, माय फॉन्ट्स में जाना होगा और यहाँ पे ये टी का बटन आपको दिख रहा होगा सर्च बार के अंदर, माय फॉन्ट के बिल्कुल नीचे एक सर्च बार है, उसी बार के अंदर एक टी का बटन है, एक फोल्डर का बटन है, एक टी का बटन बना हुआ है। हमने टी का बटन प्लस करना है, फोल्डर का बटन का क्या काम है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम टी के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और वो फॉन्ट हमने किस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने वो जेड कैमरा करके कुछ फोल्डर था हमारा, है ना, तो हम यहाँ पर वो फोल्डर सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं उसको ढूंढता हूँ, गया कहाँ है यार, मैंने तो अपनी आसानी के लिए उसमें फेंका था। ये देखिए जेड कैमरा यहाँ पर आया और ये TTF की एक फाइल यहाँ पर मेरे पास आ गई, इसके ऊपर मैंने टिक किया एड टू सेलेक्टेड, ठीक है वो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर माय फॉन्ट्स के अंदर मेरे पास तो काफ़ी सारे वो फॉन्ट्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन आपके पास बिल्कुल और कोई नहीं दिखेगा, जो आपने अभी ऐड किया है वही दिख रहा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर फॉन्ट्स ऐड कर रखे हैं उनके बाकी के भी दिख रहे होंगे, तो इसलिए मैं वो जब गिरा होगा तो बिल्कुल लास्ट में गिरा होगा, तो बिल्कुल नीचे जाते हैं, एंड पे जाते हैं, ठीक है एंड पे। ये देखिए ये रहा सिग्नेचर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया एंड ओके किया, या क्या बात है यहाँ पे ये हमारा सिग्नेचर आ चुका है। लेकिन ये एक और पंगा है भाई, यहाँ पे पंगा ये कि वो इसका जो एक साइड एस की है ना वो कट गई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एस के पास जाके उसमें एक स्पेस ऐड कर देंगे, एक दो स्पेस ऐड कर देते हैं। ओके अब ये पूरा आ गया सिग्नेचर तो भाई यहाँ पर आ गया, लेकिन ये बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है यार, ये तो मैंने फ़ोन पे वॉलपेपर लगाना है भाई, DP लगानी है भाई, मैंने तो लोगों को सेंड करना है, दोस्तों को सेंड करना है, इम्प्रेस करना है, बैकग्राउंड बिल्कुल भद्दा सा। इसलिए आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे डबल पेज की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ दो तीन दफ़ा। ये देखिए ब्लू कलर की आपको नीचे एक एप्लीकेशन एक बटन दिख रहा है डबल पेज की ऑप्शन, इसमें आप पहला बटन, ये सारी जो है ना बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें बैकग्राउंड एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर दे सकते हैं, आपको कोई भी कलर देना है। ये देखिए वाह क्या बात है, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये थोड़ा ठीक था, इसमें और भी हैं, वाह और भी हैं, ओके ये ब्लू है और ये मैं खुद से एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट वाला कलर है, ऊपर कलर में क्लिक करके इसमें कलर भी ब्लैक रखना चाहूँ रख सकता हूँ। ये देखिए लेकिन ग्रेडियंट प्यारा लग रहा था, है ना यार, ये रख देते हैं, ओके इसको रख दिया। लो जी हमारा बैकग्राउंड भी सेट हो गया। अब सिग्नेचर को मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा नाम का कोई सिग्नेचर डाल दे, अच्छा किसी लड़की का नाम लिखते हैं, है ना, आपस की बात है, चुप चुप करना है, SARA सारा लिखते हैं, वाओ फंटास्टिक इट्स ग्रेट, और क्या नाम है हम अली लिख देते हैं यहाँ पे, फंटास्टिक यार ये तो कमाल का है, बहुत ही आला लग रहा है यार। सॉरी मुझे एक और ट्राई करनी है, सॉरी रुकिए ज़रा, किंग्स लिखता हूँ, वाओ फंटास्टिक। तो आप इसमें डिफरेंट कलर के नाम अपने ट्राई कर सकते हैं। तो इसको सेव कैसे करना है मैं आपको सेव करने का तरीका भी बता देता हूँ, यहाँ पे रखा इसको, उसके बाद सेव का बटन ऊपर दिया गया, ये देखिए सेव का बटन है, सेव एज ए इमेज, उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शिफॉल्ट जो भी है सेव टू गैलरी कर दो, उसके बाद ये सेव हो जाएगा, ये उसके बाद ऐड आ जाएगी। अगर तो आपका मोबाइल का क्या कहते हैं वो ऑन हुआ, डाटा शाटा ऑन हुआ तो ये ऐड आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और सिंपली आपका ये फाउंट जो है वो आपके फ़ोन में सेव हो गया होगा, यकीनन सेव हो गया होगा। हम गैलरी में एक दफ़ा जाके देखना की कोशिश करते हैं सेव हुआ कि नहीं, लेकिन गैलरी जो है ना वो शो कराने लायक नहीं होती कभी कभी। तो ओके ये देखिए यहाँ पर हमारा ओके ये हमारा सिग्नेचर बनके हमारी गैलरी में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका सिग्नेचर स्टाइल जो भी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।